नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। पिछली कुछ क्लासेस से हम टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का करेंगे स्टार्ट, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 दोस्तों स्टार्ट करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम 5 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले वाले 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर पहले वाले 5 पार्ट्स देख लीजिए। उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पार्ट नंबर 5 में आपको लास्ट में दिया था क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्यूशन करने के लिए। अगर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं आज करवा रहा हूं। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज एंड बी एंड सी इन 16 डेज। इसने क्या दिया आपको कि ए और बी जो है वो अपना वर्क कर सकते हैं 12 डेज में अगर दोनों मिलकर करें, और बी और सी जो है वो वर्क कर सकते हैं 16 डेज में। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या बोला, इफ ए वर्क फॉर 5 डेज एंड बी वर्क फॉर 7 डेज, कि अगर 5 डेज वर्क करे ए और 7 डेज वर्क करे बी, उसके बाद देन सी अलोन फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज, उसके बाद सी जो है वो 13 डेज वर्क करता है और वर्क आपका कंप्लीट हो जाता है। उसने क्या बोला कि 5 डे ए करे, 7 डे बी करे और 13 डे सी करे तो वर्क आपका कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, 12 का और 16 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 48, यानी कि हमारा जो वर्क है वो क्या है 48 है। तो जब इन्होंने किया तो वर्क आपका 48 कंप्लीट हो गया, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब आपको एक चीज पे फोकस करना है कि जब आप वन डे का वर्क यहां से निकाल लेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहां पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का वन डे का वर्क 4 है और बी प्लस सी का वन डे का वर्क 3 है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है, आपके पास ए और बी की वैल्यू भी है, बी और सी की वैल्यू भी है। अब एक चीज यहां पे फोकस करिए, आपके पास ए बी का पेयर भी बन जाएगा और बी सी का पेयर भी बन जाएगा। तो आप कुछ ऐसे पेयर बनाइए कि आप उसमें से ए बी और बी सी के पेयर बाहर निकाल सके। तो देखो आपके पास 5A है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 5A प्लस 5B, लिख लिया आपने 5A प्लस 5B। हम क्या करेंगे 5 कॉमन आ जाएगा और A प्लस B बच जाएगा। अब यहां से 5B आपने लिख लिया है तो बचेगा क्या 2B बचेगा। अब आपके पास 2B है तो यहां से 2C निकाल लीजिए, बचेगा क्या 11C, किसके इक्वल 48 के। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां से 5 कॉमन लेंगे A प्लस B बच जाएगा, 2 कॉमन लेंगे B प्लस C बच जाएगा। तो करिए 5 कॉमन ले लीजिए, A प्लस B बच जाएगा ब्रैकेट में, प्लस यहां से 2 कॉमन लेंगे यहां पे बी प्लस सी बच जाएगा और प्लस में क्या बचेगा 11C, जो किसके इक्वल है 48 के इक्वल है। अब आप इतना सा ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 4, यहां पे 4 रख सकते हैं, बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 3, यहां पे 3 रख सकते हैं। अब देखो 4 मल्टीप्लाई 5 करोगे 20 ये हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 करोगे 6 ये हो जाएगा, तो ये 20 प्लस 6 26 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये 26 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों 11C की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी बचेगी 22 बचेगी, ये 26 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 11C की वैल्यू बचेगी 22 और यहां से C का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यानी कि C की जो वर्क एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 2 है। अब बस यहीं तक आपको पहुंचना था। अब देखो यहां पे ये जो कार्य क्षमता है ये बी और सी की है। अब मुझे जरा बताओ अगर सी की वैल्यू यहां पे 2 है तो बी की वैल्यू यहां पे कितनी होगी 1 होगी, टोटल 3 है, सी की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 1 है। अब यहां पे अगर बी का वैल्यू 1 है तो ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा। और आपको बताना यही था कि ए अलोन कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट करेगा, वर्क कितना है आपका 48, आप 48 को ए की कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 16 डेज, और यही आपका आंसर है। नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार रिपीटेशन पे पूछा गया है, काफी टाइम एग्जाम में आया है। फटाफट नोट कर लीजिए फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मूव करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लास्ट सेशन का क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं स्टार्ट। आज हम करेंगे वर्क एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन, वर्क एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट, सॉरी ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, ए किसी वर्क को
12 डेज में कर सकता है, ये बात इसने बोली है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, कि बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 60% ज्यादा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज बी विल टेक टू डू द सेम वर्क, आपको बताना है कि बी उसको कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम वर्क एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। जितने क्वेश्चन आज की क्लास में होंगे वो सारे के सारे वर्क एफिशिएंसी पर होंगे। और वर्क एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है कार्य क्षमता। क्या बोला जाता है दोस्तों? कार्य क्षमता बोला जाता है। और मैंने आपको बताया था कि वर्क एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई आप टाइम में करोगे तो वो आपके क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। वर्क एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई आप टाइम में करोगे तो क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम के लिए आप क्या करोगे? वर्क डिवाइड बाय वर्क एफिशिएंसी। ये बात हम लास्ट वाले सेशन में कर चुके थे, पहले वाले क्लासेस में ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, इसने बोला कि वर्क एफिशिएंसी जो ए की जो वर्क एफिशिएंसी है, क्या बोला इसने? बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी कि बी की जो एफिशिएंसी है वो 60% ज्यादा है ए से। तो आप ए को 100 ले लीजिए, बी कितना आ जाएगा? 160। ए 100 होगा तो बी 160 आ जाएगा क्योंकि 60% ज्यादा है। रेशो निकाल लीजिए, आप कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 5:8। क्या आ जाएगा? 5:8, यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 5 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 8 है। आपको पता है कि ए 12 दिन में कर सकता है, ए की एफिशिएंसी है कितनी? 5। ए की एफिशिएंसी 5 है, वो कर सकता है 12 दिन में। ये आपका वर्क है। मैंने क्या बोला था? एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई टाइम में करेंगे तो क्या आएगा? वर्क आएगा। ए की एफिशिएंसी 5 है, वो 12 डेज में कर सकता है। यही वर्क अब करना है बी को। बी की एफिशिएंसी है कितनी? 8, और मल्टीप्लाई इसका टाइम आपको निकालना है। तो डिवाइड कर लीजिए फटाफट से। डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और ये 15/2 यानी कि आपका टाइम आ जाएगा 7.5 डेज। यही आपका आंसर है। महज आपको इतनी सी बात करनी है, अगर आपके पास वर्क एफिशिएंसी है तो आप वहां से वर्क निकाल सकते हैं, वर्क एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम करके, और फिर इक्वल कर देंगे जिससे वो करवाना है उसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 52। इसी तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। ए डज 20% लेस वर्क देन बी, मींस जो उनकी वर्क एफिशिएंसी है, इसने बोला ए जो है वो बी से 20% लेस है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना है? 80 है। रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4:5, यानी कि ए का एफिशिएंसी 4 है और बी का एफिशिएंसी 5 है। इफ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7.5 आवर्स, ए जो है किसी काम को 7.5 घंटे में कर सकता है, ए कर सकता है 7.5 घंटे में, तो 4 × 7.5 आपको बताना क्या है? देन बी कैन डू इट इन, बी कितने टाइम में करेगा इसी वर्क को? बी कितने टाइम में करेगा? बी की वैल्यू कितनी है? 5, और वो कितने टाइम में करेगा ये आपको बताना है। 5 से कैंसिल करेंगे 1.5 आ जाएगा, 1.5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 आवर्स, यानी कि बी उस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा? 6 घंटे में कंप्लीट कर देगा। तो इतने आसान क्वेश्चन है दोस्तों, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 53 पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, रीड आउट करिए फटाफट से और कोशिश करिए करने की, 10 सेकंड देता हूं आप लोगों को मैं। देखिए दोस्तों क्या दिया क्वेश्चन नंबर 53 में। ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कर एज बी, ए जो है बी से ट्वाइस है। बी इज 60% लेस एफिशिएंट देन सी, बी जो है वो सी से 60% लेस है। देखिए यहां पे ए बी और सी तीन कैंडिडेट आपके पास है, इनकी वर्क एफिशिएंसी के बारे में आपको बोला गया है। स्टार्ट करेंगे लास्ट से। सी जो बी जो है वो 60% लेस है सी से, यानी कि सी को अगर 100 लेंगे तो बी कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, क्योंकि 60% लेस है। अब उसने बोला ए जो है वो ट्वाइस है बी से, बी से ट्वाइस है ए, तो कितना आ जाएगा? 80। रेशो निकाल लीजिए 20 से कैंसिल करके, या जाएगा 4, या जाएगा 2, या जाएगा 5। ये इनकी वर्क एफिशिएंसी का रेशो है। आगे इसने क्या बोला? इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 21 डेज, ए और बी मिलकर 21 डेज में करते हैं, तो दोस्तों ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6, वो करते हैं 21 डेज में। अब यही वर्क किसको करना है? बी एंड सी को, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 7, और वो कितने टाइम में करेंगे? बस इतनी सी बात आपको बतानी थी, ये आपका आंसर आ गया 18 डेज। तो ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 10 सेकंड देता हूं आप लोगों को मैं, फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए और ट्राई करके देखिए।
फिर चलते हैं, फिर करवाता हूँ आपको सोल्यूशन इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 फटाफट। वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ बी एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2/7 टाइम ऑफ सी। दोस्तों ए का जो एफिशिएंसी है वो बी से थ्राइस है और बी का जो एफिशिएंसी है वो 2/7 ऑफ सी है। ये बात आपको दी गई है, बी का जो एफिशिएंसी है वो 2/7 ऑफ सी है और ए का जो एफिशिएंसी है वो बी से थ्राइस है। तो देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी और दोबारा से फिर बता रहा हूं कि जब भी ऐसी फ्रैक्शन आपको मिले उसमें ऑफ यूज कर रखा हो तो जिसके साथ वो ऑफ यूज किया है उसके लिए नीचे वाला डिजिट आप ले लेंगे। यानी कि सी की एफिशिएंसी यहां पे 7 है और बी की एफिशिएंसी यहां पे 2 है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए उससे थ्राइस है तो ए कितना हो जाएगा 6, यानी कि वर्क एफिशिएंसी आ गई। आगे आप कर भी सकते हैं, उसने क्या बोला, इफ ए बी सी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, तीनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, तीनों की एफिशिएंसी है कितनी, तीनों की एफिशिएंसी है 15, वो कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। आपको बताना क्या है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। बी कितने टाइम में करेगा, बी की वैल्यू कितनी है 2, ये कितने टाइम में करेगा ये आपको बताना है। 2 से कैंसिल करोगे 5 और 15 5 जा कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 75। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, 75 डेज, और यही आपका आंसर है। दोस्तों दोबारा देख लीजिए, इसने क्या बोला कि बी का जो एफिशिएंसी है वो सी से 2/7 है, तो 2/7 में सी का 7 है, बी का 2 है और ये थ्राइस है, ए जो है वो बी से क्या है थ्राइस है, तो ये कितना आ जाएगा 6। सभी मिलकर काम कर सकते हैं, सभी कितने हो गए 7+2 9, 9+6 15, 15 करते हैं 10 डेज में, तो 2 कितने में करेगा 75 डेज में, और यही आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 55। क्या दिया गया है, इफ वर्क एफिशिएंसी रेशियो ऑफ ए बी सी डी एंड ई। देखिए 5 कैंडिडेट आपको दे दिए गए, ए बी सी डी एंड ई, कर सकते हैं आप क्वेश्चन, बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन है। 2:3:7:5:4 ये आपको दे रखी है वर्क एफिशिएंसी, ठीक है दोस्तों, बताना है। एंड बी एंड ई टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 42 डेज, बी एंड ई कैन कंप्लीट इन 42 डेज, ये बात आपको दे रखी है, बी और ई जो हैं वो 42 डेज में कर सकते हैं। फाइंड इन हाउ मेनी डेज दे ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क, वो सभी मिलकर कंप्लीट वर्क कितने टाइम में कर देंगे, तो सभी को मिला दो 5+4 9, 9+7 16, 16+5 21, 21 मल्टीप्लाई टाइम, तो 21 से कैंसिल करोगे 2 पे चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 14 डेज, यानी कि वो कितने टाइम में वर्क को कर देंगे, 14 डेज में वर्क को कर देंगे। दोस्तों इस तरह आपको क्वेश्चन टैकल करने, जब आपके पास वर्क एफिशिएंसी हो और आपको ये दे रखा हो कि वो इतने टाइम में करता है, तो बताओ दूसरा कितने टाइम में करेगा, एक का टाइम दे रखा हो बाकी का टाइम पूछा हो, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता बताओ उसको अकेला सी कितने टाइम में करेगा, तो अकेले सी की कैपेसिटी कितनी थी 7, यहाँ पे 7 रख देते। अकेला बी कितने टाइम में करेगा तो 3 रख देते। अकेला डी कितने टाइम में करेगा तो 5 रख देते। मतलब जिसका वैल्यू पूछा है उसका टोटल करके रख देंगे, सभी का पूछा था सभी का टोटल कर लिया 21, आपका आंसर आ गया 14 डेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, रीड आउट करिए फटाफट। देखिए ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, ए और बी का जो एफिशिएंसी है वर्क एफिशिएंसी, उसने क्या बोला कि ए जो है वो 20% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना है 120 है। रेशो निकालेंगे 6:5 आ जाएगा। आगे इसने दिया क्या दिया, एंड ही टेक्स 8 डेज लेस देन बी टू कंप्लीट ए वर्क, वो 8 दिन कम लेता है बी से किसी काम को करने में। Then find in how many days B can complete the work, आपको बताना है B कितने time में work को करेगा। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा दे रखा हो कि वो उससे कम time लेता है या उससे ज़्यादा time लेता है, less और more time की बात कर रखी हो, किसकी बात कर रखी हो, less और more time की, तो आपको work efficiency से time का ratio निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क एफिशिएंसी से टाइम का रेशो निकालना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि वर्क एफिशिएंसी जो है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम के,
वर्क एफिशिएंसी है जो वो रेसिप्रोकल होती है किसके, टाइम के, मतलब एफिशिएंसी का जो रेशो है वो टाइम के रेशो का उल्टा होता है। मतलब अगर इनका एफिशिएंसी 6:5 है तो इनका टाइम का रेशो 1:6:1:5 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये मल्टीप्लाई होगी यानी कि रेशो आ जाएगा 5:6। मैं डायरेक्ट 5:6 भी लिख सकता था, डायरेक्ट 5:6 भी लिख सकता रहा, लेकिन जब तीन कैंडिडेट आ जाएंगे तो आपको इस पैटर्न से गुजरना पड़ेगा। तो इनके टाइम का रेशो आ गया 5:6, यानी कि ए टाइम लेता है 5 और बी टाइम लेता है 6। अब देखो कि ए जो है वो बी से कितना टाइम कम ले रहा है, ए बी से कितना टाइम कम ले रहा है 1, और इस 1 रेशो की वैल्यू ही आपको क्या दी गई है, 8 डेज दी गई है। आपको बताना है बी कितने टाइम में करेगा, तो बी का टाइम कितना है 6। यह टाइम आपका डायरेक्ट, ये वर्क एफिशिएंसी था, अब डायरेक्ट टाइम यानी कि बी का टाइम जो है 6 है और 1 की वैल्यू आई है 8, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 डेज, और यही आपका आंसर होगा। यानी कि जब भी आपको लेस टाइम और मोर टाइम दे रखा हो तो आपको वर्क एफिशिएंसी से क्या निकालना है, टाइम का रेशियो निकालना है, और टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी का उल्टा होता है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, ए इज 40% लेस, ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी, एंड बी एफिशिएंसी ऑफ बी इज 5/2 टाइम्स ऑफ सी। ए जो है वो बी से 40% लेस है, और बी जो है, बी का जो एफिशिएंसी है वो 5/2 ऑफ सी है। तो मुझे फटाफट बताओ ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, वर्क एफिशिएंसी कितनी आएगी। मैंने बताया था कि सी के लिए क्या यूज कर लेंगे, 2 यूज कर लेंगे रेशो, बी के लिए क्या यूज कर लेंगे 5। अब ये 5 से कितना कम है, 40% कम है, तो आप 5 का 40% निकाल लेंगे, 5 का 40% 2 आ जाएगा, 5 का जब 40% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि ये 2 लेस है, 2 लेस है तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो ये इनकी वर्क एफिशिएंसी है। आगे इसने क्या बोला, इसने बोला इफ ए टेक्स 24 डेज मोर देन बी। मैंने बताया था मोर देन और लेस देन की बात करें तो आपको किसका रेशो चाहिए, टाइम का रेशो चाहिए। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 1/3, 1/5 और 1/2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 30। 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, और 1/2 से करोगे 15 आ जाएगा। यानी कि ए का टाइम है 10, बी का टाइम है 6 और सी का टाइम है 15 रेशो में। अब देखो ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, ए बी से कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है 4, और इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 24 डेज आपको दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 डेज। आपको बताना क्या था कि सी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो सी कितने दिनों में करेगा भाई, सी की कैपेसिटी कितनी है, सी का टाइम कितना है 15, 15 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90 डेज, और यही आपका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 58, थोड़ा सा चेंज करते हैं पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए आपके सामने है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 में बोला, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ टाइम। ए आधा काम कर सकता है बी के 3/4 समय में। इफ दे टुगेदर टेक्स 18 डेज टू कंप्लीट ए वर्क, फाइंड हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन। दोनों मिलकर काम को 18 दिन में कर देते हैं तो बताओ बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, ये बात आपको बतानी है। जब ऐसे आपको रेशो दे दिया जाए कि ए आधा काम कर रहा है बी के 3/4 टाइम में, तो आपको कुछ नहीं करना, एक सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ए और बी, यहां से आपका वर्क एफिशिएंसी निकलाएगा। क्या निकलाएगा, वर्क एफिशिएंसी। ए कितना काम कर रहा है, 1/2, हाफ का मतलब क्या होता है 1/2 रेशो, बी के कितने टाइम में, 3/4 के टाइम में। बी 3/4 टाइम लेता है तो वो हाफ कवर कर देता है। आपको यह रेशो रख देना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। यहां पे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 4, आ जाएगा 6, रेशो निकालोगे तो आ जाएगा 2:3। आपको डायरेक्ट अप्रोच करनी है, बेसिक नॉलेजने की जरूरत नहीं है। तो ए का एफिशिएंसी है 2, बी का एफिशिएंसी 3। उसने बोला दोनों मिलकर 18 दिन में कर देते हैं, जब दोनों मिल जाएंगे तो कर देंगे 18 दिन में। आपको बताना क्या था कि अकेला बी कितने टाइम में करेगा, अकेला बी कितने टाइम में करेगा, ये आपको बताना था। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 30 डेज। बस कुछ नहीं करना, आपको इतना सा करना है।
यानी कि जो वैल्यू दे रखी है वो रख दीजिए, उनका रेशियो निकाल लीजिए, वो आपकी वर्क एफिशिएंसी का रेशियो होगा। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और करवाता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, ए डज 2/5 ऑफ वर्क, देखिए कर लीजिए 2/5 यानी कि 2/5, ये वर्क एफिशिएंसी आ जाएगी दोस्तों डायरेक्ट आपकी 2/5 इन 1/3 ऑफ टाइम, बी के 1/3 ऑफ टाइम में, बी को रख दीजिए 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6:5, यानी कि ए का एफिशिएंसी 6 है, बी का एफिशिएंसी 5 है। आगे बोला ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 22 डेज, ए अकेला 22 डेज में कर देता है, तो आपको बताना है कि वो दोनों मिलकर कितने टाइम में कर देंगे, दोनों मिल जाएंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 11, और टाइम आपको बताना है कितना आ जाएगा 12 डेज, बस हो गया, और क्या करना है इसमें। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आपके सामने है, 4 men and 6 women can complete a work in 8 days while 3 men and 7 women can complete in 10 days, in how many days 10 women complete it, आपको सिर्फ इतना सा बताना है 10 महिलाएं कितने दिनों में कर देंगी। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, लास्ट टू लास्ट सेशन में ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है, देखिए दोस्तों कोई भी आपका डाउट है, कोई भी डाउट आपका बचता है तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट है वहां पे डाल दीजिए, कमेंट में कोई भी क्वेश्चन आप डाल दें, नेक्स्ट सेशन में उसका सोल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जितने लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस किए जाए। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन सभी समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और दोस्त भी फायदा उठा सकें, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।